हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में रेडमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न को आज मैं अनलॉक करने वाला हूँ, वो भी लाइफ प्रूफ। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप रेडमी हो, एमआई हो, पोको, शॉमी या रेडमी का कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हो, कोई भी मॉडल हो रेडमी में या एमआई में, और आपका फ़ोन लॉक हो जाने के बाद आपसे अनलॉक नहीं हो पा रहा है, तो चलिए मात्र 2 मिनट में आप कैसे रेडमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना पैसा को वेस्ट किए, बिना डाटा को डिलीट किए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं YouTube पर अक्सर लाता रहूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या, जब आपका Redmi का फोन लॉक हो जाता है तो अनलॉक के लिए हमें सबसे पहले एयरप्लेन मोड का ऑप्शन को ओपन करना होगा। ठीक है, तो आप लोग एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। अगर एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन नहीं होता है तो अपने फोन में से सिम कार्ड को ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे और आपको यहाँ पे सबसे पहले इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को खोजना है। इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन कीजिएगा और आपको डायल पैड को ओपन करना है और आपको यहाँ पे FRP अनलॉकिंग कोड यूज करना है। ठीक है, FRP अनलॉकिंग कोड जो कि हमें सर्विस सेंटर से मिला है, इस कोड से आप FRP बाईपास कर सकते हो, वो भी बिना कंप्यूटर। ठीक है ना, ये कोड को आप यूज कर लीजिएगा। स्टार है 07652380790808080#, ये कोड यूज कीजिएगा और इस कोड को आपको FRP पे पास करना है। कॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे ओके का परमिशन मांगेगा, बस आपको ओके पे प्रेस कर देना है एंड देन इस कोड को आपको इरेज कर लेना है। ये काम जब हमारा कंप्लीट हो जाए तब हमारे फोन में जो भी डाटा मौजूद है उसे रिकवर के लिए इस कोड का आप यूज कर सकते हैं। इस कोड से आपका कोई भी डाटा रिकवर हो सकता है। ठीक है, बस इस कोड को डायल करने के बाद एक्टिवेट करना है। कॉल करेंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा, ओके पे प्रेस करेंगे एंड देन इस कोड को आपको इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पे होम बटन क्लिक कर देना है और फिर आ जाना है लॉक स्क्रीन पेज पे। अब आपको यहाँ पे 2 से 3 सेकंड बाद फिर से इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करना है, डायल पैड को ओपन करना है। अब हमें यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन हार्ड रीसेट कोड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को आप यूज कीजिएगा, आपका हार्ड रीसेट हो जाएगा घर बैठे। बस आपको करना क्या है, इस कोड को डायल करना है, इस कोड को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। बस आपको करना क्या है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक करना है, आपका मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, होम बटन क्लिक कीजिएगा, आपका रेडमी का फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।